एवरीवन, आज मैंने आपके लिए ये एक फैंसी पैटर्न बनाया है, तो ये मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे बनाया है। ये आपके पास अगर आर वगैरह से काम नहीं है, आपको आरी जो होती है या आर जो क्रोशे टाइप की चीज़ होती है, ये जैसे कि मैंने बनाया है, अगर आपके पास वो नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको नूडल के साथ भी बना सकते हैं। जैसे मैंने ये वाला मैंने सिल्वर का इस्तेमाल किया है, और ये मैंने इसमें सारे ये चीज़ें इस्तेमाल की है, और इसमें ये मैंने रिबन के इस्तेमाल किया है, रिबन के मैंने फ्लावर बना के उसके अंदर मैंने बीड्स वगैरह लगाए हैं, और ये सारे बीड्स और एवरीथिंग इसमें है, ये मैंने यूज़ किया है। और ये मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने कैसे बनाया है। और सबसे पहले मैं आपको ये बता रही हूँ, ये देखिए नीडल से बना ली, इसमें ये नीडल में डालें तो ये बहुत इजी। पहले थोड़ा सा इसको पीछे से थोड़ा इसको इसको थोड़ा इसमें डाल के पक्का कर लें ऐसे। उसके बाद ये मैंने पहले मैंने ये रिबन से फ्लावर बना के तो इसके अंदर ये बीड्स वगैरह लगाए हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने सबसे पहले इसको 3 स्टिचेस की करनी है। अगर वो 8 से नहीं आपके पास तो कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं कि उसी से सारे काम होते हैं। तो ये इस तरह हम इसको ये हम इसको इस तरह ऐसे हमें बनाना है। थोड़ा सा काम हो गया है जिसकी वजह से थोड़ा सा थोड़ी सी दुश्वारी है, बनना बड़ी जल्दी बन जाता है। इस तरह आप इसको बना सकते हैं। ये मैंने डिज़ाइन आप लोगों को दिखाना था, इस वजह से मैंने ये पहले बना लिया। तो ये देखें इस तरह आप इसका चेन स्टिच पहले कर लें। पहले इसको ऐसे चेन बना लें सारी, ये हमने चेन बना ली। अब हम इसमें वो लगाएंगे, ये बीड्स लगाएंगे, ये बड़े छोटे से ये क्रिस्टल के, तो इसको हम यहाँ से शुरू करेंगे पहले इसके अंदर। इसके अंदर हम इर्द गिर्द सारे यहाँ पे बीड्स लगा लेंगे इस तरह। हम इसको यहाँ पे हम स्टिच लगा के दोबारा हमने पीछे लेके जाना है। और ये मैंने सिंगल धागा लिया है, ये इस तरह से ये टाइट हो जाएंगे। ये हमने सारे इर्द गिर्द यहाँ पर लगा लेने पहले, फिर हम दूसरा डिजाइन बनाएंगे। डिजाइन बना लेंगे। अब हमने ये सारे यहाँ पे ये स्मॉल बीड्स लगा लिए क्रिस्टल के। उसके बाद आप यहाँ पे कोई डिजाइनिंग करूंगी मैं, जैसे
ये पर्ल्स और ये बीट्स वगैरह ये लगाऊंगी मैं। तो ये मैं आपको ये डिज़ाइन बताती हूँ कि मैं ये कैसे करूँगी। तो इसको मैं ये डिज़ाइन आप खुद भी बना सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं ये कैसे करना है। तो ये मैं थोड़ा सा ये मैं बनाती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। जब हमें शुरू करना होता है तो सबसे पहले हमें एक स्मॉल ये लगा के उसके बाद ये पर लगाना पड़ते हैं ये वाले, ताकि वो ठीक तरह से लाइन जो है ना वो बैठ जाए। ऐसे ये मैं इसके अंदर ना ये डिज़ाइन करूँगी। आप लोग भी इस तरह से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, जैसे आपको दिल चाहे उसी तरह से ये डिज़ाइनिंग हो सकती है। ये बीट्स लगाना तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन डिज़ाइन आप जैसे मर्जी इसको करें, ये बहुत खूबसूरत बन जाता है। इस तरह ये कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको ये डिज़ाइनिंग करके ये मैं दिखाती हूँ। ये एक मैंने क्रिस्टल का ये पीस लिया है और एक ये पाइप लिए और एक ये मैंने पर लिया। तो उसके बाद इसको मैंने यहाँ पे स्टिच लगा दिए। तो ये क्या, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने रिबन का ये मैंने कैसे बनाया है। तो ये मैंने अब आपको ये बता रही हूँ, अब मैं ये रिबन का फ्लावर बनाऊंगी कि ये कैसे बनता है। इतना बारीक मैंने लिया है ये रिबन, और इसको सबसे पहले हमें देखना हमने बीट्स कौन सा लगाना, उस हिसाब से हमें ये बनाना पड़ेगा। तो इसको हम इस तरह लगाएंगे, ऐसे इस तरह से हम एक इसमें स्टिच लगा देंगे, और फिर उसके बाद इसको यूं करना है। ऐसे फिर इसको स्टिच इस तरह लगा देंगे, और उसके बाद हम ये बस हर बल पे एक एक स्टिच लगाते जाओ, ताकि वो फिर आपको निकलेगा नहीं, ये फूल जो है ना ये पत्तियां बनती रहेंगी ऐसे। उसके बाद फिर हमें इसको ऐसे बंद दे, इस तरह से इसको हमने ऐसे बंद दे दिया, और यहाँ पे हमने स्टिच लगा दिया। ऐसे अब हम इसको एक और ये ऐसे बनाएंगे,
और इसको स्टिच लगा देना। साथ साथ स्टिच लगाते जाएं तो ये सही रहता है। और ये हमारा रिबन का फ्लावर तैयार है। और हम इसको कहाँ कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, हम यहाँ भी इसको लगा सकते हैं, इसको यहाँ भी लगा सकते हैं, इसको यहाँ भी लगा सकते हैं। तो आपको जहाँ दिल चाहे जैसे आप डिज़ाइन बनाएंगे, डिज़ाइनिंग भी आपको जैसे करना चाहें कर सकते हैं, एम्ब्रॉयडरी भी हो सकती है ये रिबन की बजाय, आप जैसे भी आपको बना सकेंगे तो आप उसी तरह ये बना सकते हैं। अब हमने यहाँ पर इसको स्टिच लगा दिया, यहाँ पे स्टिच लगाने के बाद हम इसके अंदर बीट्स लगा देंगे। ये हमने स्टिच लगा दिए और हम अब इसके अंदर यहाँ पे हम एक एक बीट्स लगाएंगे। हम इसके अंदर ये मैंने कंप्लीट कर दिया है, ये बीट्स लगे हैं इस तरह। अब इसको हम तो यहाँ पे खत्म करेंगे। ये हमने पक्का कर दिया इसको। और इसके बाद इसके अंदर हम ये बना बनाने डालेंगे, ऐसे ये चिपक जाते हैं यहाँ पे। और ये इसको हम इसके अंदर ऐसे करके दबा देंगे, ये इस तरह से। ये देखें, ये हमारा फैंसी पैटर्न तैयार है। और आप ज़रूरी नहीं कि सेम इस तरह बनाएं, आप इस चीज़ को यहाँ भी बना सकते हैं, इसको यहाँ पे भी बना सकते हैं लीफ, इसको डिफरेंट कर सकते हैं। यानी कि ये लगाने का बनाने का तरीका है, आपके पास ये चीज़ें हो तो आप सब कुछ बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।